देखो फाइनली चीनी यात्री जो है वो बोध गया पहुंच जाता है। एक गजब का लोकेशन। एक बात तो मुझे समझ आई कि अगर बुद्ध एक प्रोडक्ट हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट जो मानव जाति की भलाई के लिए आए थे, तो अगर सरल भाषा में हम बोले ना तो उनके मार्केटिंग मैनेजर जो थे ना वो सम्राट अशोक थे। उसी तरह से बाबा साहेब के मार्केटिंग मैनेजर कौन थे, सोचो सोचो, काशीराम जी। उन्होंने जितना प्रचार प्रसार किया ना वो कोई नहीं कर पाया। इतना तो महाराष्ट्र के बाहर कभी प्रचार प्रसार हुआ ही नहीं होगा जितना यूपी में काशीराम जी ने कर दिखाया। काशीराम जी की पार्टी जब सत्ता में आई ना तो वो बहुजन महापुरुषों को अमर करने के लिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया। सम्राट अशोक की तरह स्तूप स्तंभ वाला प्लान था वो। उन्होंने वहां पर पार्क बनवाए, मूर्तियां लगवाई और वो काम भी अच्छा था। लेकिन है ना, लोगों ने उसकी बुराई करना स्टार्ट कर दी। लोगों ने नहीं करी एक्चुअली में, ये आईटी सेल ने किया। अगर मैं ये बोलूं कि लोगों ने उसकी बुराई करना स्टार्ट कर दी तो वो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि लोग कभी भी बुराई नहीं करते, ना ही उनकी बुराई कहीं दर्ज हो। 2022 में जब मैं ये बोलता हूं कि बीएसपी की आईटी सेल कचरा है, तब वहां से जवाब आता है कि बीएसपी का अभी कोई आईटी सेल नहीं है। तो कभी होगा जब जीरो हो जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा के आईटी सेल हैं। आपको पता है ज्यादातर भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास ढंग के मोबाइल नहीं है, लेकिन फिर भी बीएसपी अपना पूरा जोर लगाकर काम कर रही है। बहन जी की रैली में जैमर लगे होते हैं, इसलिए कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैमर तो मोदी की रैली में भी लगे होते होंगे। एक ऐसी पार्टी जो अभी अभी हमारे आंखों के सामने बनी, वो पंजाब जीत गई। उसका कारण क्या है पता है? वो एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनसे कुछ नई उम्मीदें हैं। यहाँ देख रहे हैं, ये सूरज एंगड़े हैं, इनकी ट्विटर आईडी, और इनको जो है ट्रोल किया जा रहा है। और पता है ये कौन कर रहे हैं? ये भी आईटी सेल वाले कर रहे हैं। और हमारे पास कोई आईटी सेल नहीं है। देखिए, आप और मैं मिलकर आईटी सेल नहीं बना सकते। इसके लिए हजारों लाखों रुपए चाहिए होते हैं, सॉरी करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। और जो पार्टी ऐसा कर सकती थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की दूसरे या तीसरे नंबर की अमीर पार्टी है, क्योंकि आप और हम लोग मिलकर ये काम नहीं कर सकते हैं, तो जिसको करना चाहिए था, जिससे उम्मीदें थी, वो नहीं कर पाई, तो फिर बुरा तो लगता है। अपने कैसे खुल गया? ए, इसी आ गया। देखो जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। आओ आओ, चलो आओ, आ जाओ, आ जाओ, खींच ले खींच ले खींच ले, आ जाओ। माहौल बना रहा था मैं। एक्चुअली में हम आज एक पिक्चर का रिव्यू करने वाले, और वो पिक्चर देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो पिक्चर जो है चाइना में बनी हुई है, और उस पिक्चर का टाइटल है ऐसा लग रहा है कि चाइना और इंडिया का जॉइंट वेंचर हुआ है इस पिक्चर को बनाने के लिए। और इसमें ना तीन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ तक मुझे पता है, हिंदी, इंग्लिश और चाइनीज। ज्यादातर पिक्चर जो है चाइनीज में। ये इंडिया की लाइब्रेरी है। हेलो मैम जी, मैं एक आर्कियोलॉजी स्टूडेंट हूँ। क्या आप मुझे सर कनिंघम की लिखी हुई कुछ किताबें ढूंढने में मदद कर सकती है? हाँ जरूर, बैठे। यहाँ एक लड़का है, वो सर कनिंघम की बुक्स मांग रहा है। सर कनिंघम है ना, एक किताब पढ़ रहे हैं जो कि चीनी यात्री द्वारा लिखी गई थी। और वो ये देखते हैं कि यार यहाँ पर जो पुराने जमाने में बुद्ध की बात की जा रही है, और उसके बारे में जो भी बातें बता रही हैं वो एग्जैक्टली सेम और हर जगह सटीकता से मिलती जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि सर कनिंघम को जो है ना बुद्धिज्म के बारे में है ना गलती से खोज कर लिया। ऐसा होता है ना कि हम सांची गए और यहाँ पे कुछ है, ओ कुछ मिला है, कुछ मिला है। ऐसा नहीं हुआ था। वो एक किताब पढ़ रहे थे जो चीनी यात्री ने लिखी हुई है, और उसको ढूंढते ढूंढते वो पूरे भारत में घूम रहे थे। क्या बात है यार, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग और एडवेंचरस रखा होगा ये। ये वो चीनी यात्री है जो भारत जा रहे हैं। क्या बात है यार। याद है आपको नालंदा में हमने एक मेमोरियल देखा था वैंग शैंग का? वहां पर एक ऐसे ही स्टैचू बना था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था यार। ये देखो, ये ऊपर जो है छतरी है, बैक में जो है उनका बैग है, और हाथों में सामान है और चल रहे हैं। गजब यार, पिक्चर है, बहुत शानदार है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उस इरा में पहुंच गया हूँ। गजब यार, क्या लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये इस समय ये अफगानिस्तान में जो मूर्तियां तोड़ दी गई थी। ओ हो,
हो क्या बात है। मुझे है ना बहुत शानदार फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उस एरा में पहुंच गया हूं और उस समय चीनी यात्री कितनी मुश्किलों से आगे बढ़ता जा रहा है और वो क्या क्या सहन कर रहा है, वो पिक्चर देखने लायक है। चाइना का सबसे बेस्ट कैमरामैन है ना, उसने इस फिल्म को शूट किया और उसमें दिख रहा है, मतलब जान डाल दी उसने फिल्म में। ये देखो यहाँ बैकपैक रखा हुआ है, क्या बात है, स्टैंड लग जाता था, टोपी, और यहाँ पर ये मॉन्क हैं, ये इनको समझा रहे हैं कि हमको नो किलिंग नो स्टीलिंग नो लस्ट नो लाइंग नो ड्रिंकिंग, ये पंचशील बता रहे हैं इनको, ये बोल रहे हैं ठीक है मैं मानूंगा। पहाड़ से होते हुए रेगिस्तान में एक पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए कैसे कैसे पहुंचे हैं यार, सच में यार बड़ा दुख हो रहा है देखते हुए। जब हम ट्रेवल करते हैं ना तो हम पानी की बोतल लेके चलते हैं, उस तरह से देखिए ये पानी की बोतल लेके जा रहे हैं और उनकी बोतल फैल जाती है रास्ते में। सच में यार मुझे दुख हो रहा है, 2000 साल बाद मुझे दुख हो रहा है। ये ऐसे खतरनाक रास्ते से होते हुए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान श्रीनगर होते 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 यहाँ नालंदा तक पहुँचे हैं। और ये क्यों बोलते हैं भारत को स्वर्ग, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का भंडार था, यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत शानदार थी, इन पहाड़ों के ऊपर से निकलना पड़ा उनको। पिक्चराइजेशन बहुत शानदार है यार इसकी, बहुत मेहनत की गई इस पिक्चर के ऊपर, ये पिक्चर ऑस्कर के लिए गई थी। देखिए फाइनली नालंदा पहुंच चुके हैं यार, क्या गजब का ट्रेवल था इनका यार। ओहो ये नालंदा की वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री ले रहे हैं जहां हम गए थे, जहां ये देख रहे हो, ये देखो ये सारिपुत्त का स्तूपा है, ये पुराने जमाने के अवशेष दिखा रहे हैं कि कैसे अंदर एंट्री ले रहे हैं वो। ये नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाई गई है यहाँ पर, ओहो हो मेन क्लासरूम में एंट्री, और ये देखो ये नालंदा का लोगो है, ये देखिए ये वो क्लासरूम जिसके अंदर हम गए थे। ओहो यहाँ पर ये बोधिसत्वा से मिलते हैं, आई एम हेयर, ये सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पढ़ते थे ऑलरेडी, ये देखिए। बस मुझे यहाँ यही बात समझ नहीं आ रही कि जो मॉन्क होते थे वो दाढ़ी नहीं रखते थे, इनकी दाढ़ी कैसे है। मुझे लगता है अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ना और सीखना है। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे हैं आपस में और यहाँ संस्कृत में बात कर रहे हैं, हैं? ये पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ आने में कितने साल लगे, तो ये बोलते हैं 4 साल लगे, पढ़ने लग गए, पढ़ाई चालू हो गई इनकी। वाह यार वाह वाह वाह, ये वही क्लासरूम से जो हमने दिखाई थी आपको ब्लॉग्स में अपने। ये देखो ये असेंबली हॉल में बैठे हुए हैं, क्या बात है, ये देखो 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 देखो, हम लोग इसी असेंबली हॉल में थे, मतलब शूटिंग यहीं पर हुई है यहीं पर बैठकर, क्या बात है, मतलब फिल्म के लिए इनको इजाजत मिल गई थी इस पर्टिकुलर एरिया में आकर शूटिंग करने के लिए। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखना, हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था, बहुत कुछ दिखाया उसमें। देखो फाइनली चीनी यात्री जो है वो बोधगया पहुंच जाता है, गजब का लोकेशन बनाया इन्होंने यार, गजब, ये पूरा जो है कंप्यूटराइज्ड है लेकिन फिर भी कितना रियल लग रहा है, वाव वाव वाव, ऐसी फील आ रही है कि वो बोधगया ट्री के पास पहुंचा, कितना अच्छा फील हो रहा होगा, 4 साल लगे उनको यहां तक पहुंचने में, गजब यार। ये बोधि ट्री है पीछे, फाइनली जब उनकी सारी शिक्षाएं पूरी हो जाती है ना तो उनके जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि बुद्धिज्म जो है ना सिंधु में डिक्लाइनिंग पोजीशन में आ चुकी है और नालंदा यूनिवर्सिटी ही मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर उसको अभी तक अलाइव रखा हुआ है, और जहां से चीनी यात्री आए हैं टैंग से, टैंग जो उनका देश है, वहां पर ये एडवांसिंग फॉर्म में जा रही है और उनको एडवाइस करते हैं कि जितना भी तुमने यहां कुछ सीखा है इसको लेके अपने देश चले जाओ ताकि वहां पर बुद्धिज्म के बारे में लोगों को जानने को मिले और वो इसका फ़ायदा उठा पाए, और फाइनली वो वापस लौट जाते हैं। ये पूरा लोकेशन देख रहे हो, पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी का लोकेशन दिखा रहे हैं, शानदार। ये अपने देश लौटते हैं बुद्ध को लेकर, क्या गजब का स्वागत हो रहा है इनका, सही है इस देश में वैल्यू नहीं है बुद्धिज्म की, सारे स्टूडेंट्स को ये सिखा रहे हैं अपने देश में बुद्धिज्म के बारे में, सारे स्क्रिप्चर्स जो है ना सेव करके रखे, ये सब ये ज्ञान लेकर आए थे भारत से। मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ये चाइना की टैंग डायनेस्टी है, वहाँ पर भी बहुत कुछ मिलेगा देखने को। और देखिए पूरे पहाड़ों को क्रॉस करते हुए वो यहाँ आए थे, मतलब सीधे भी आ सकते थे लेकिन ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे ना कि उनको 19 साल लग गया यहाँ से यहाँ तक आने में। 110 कंट्रीज से होते हुए आए थे, 2500 किलोमीटर चलकर। किताब पढ़ने के बाद जब आप इस तरह के वीडियोज देखते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। तो आज के लिए यही रिएक्शन को ख़त्म करते हैं और चलते हैं नीचे, चले नीचे यार, पूरी रात ही हो गई दोस्तों, पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या हो गया, तबीयत खराब है, तबीयत कैसी खराब है यार, बुखार लग नहीं रहा, और पास बुखार नहीं लग रहा यार, गर्म तो लग नहीं रहा ये।
अब ये देखो ये अंदर नहीं आता, इसको ये अंदर आ सकता है लेकिन अंदर नहीं आता। ये ब्रुजो के चावल थ्रो पीछे 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 बैक बैक कारो, उसको मजा नहीं आया, उसके लिए अंडे उबाल दे। ये बोल रहे ब्रुजो के लिए अंडे, जब तक है ना कॉर्पस के मजे लेते हैं। कॉर्पस मैं ना आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। यही करोगे हरा हरा के दूसरे के भग रहे हो? मैं तो सपोर्टर था ही नहीं। क्या कॉर्पस बिछा लिया इन्हें पूरे में। अच्छा स्क्विड गेम कौन देखेगा? वो लड़की को गोली मारती है, वो कौन सा गाना गाती है वो? मुझे पता है ये वीडियो थोड़े से खतरनाक होते हैं लेकिन मैं कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट में दिखाता हूँ। जॉकी पार्टी कौन करेगा? लिए 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 लिए